आज हॉकी इंडिया ग्रासरूट डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करु छंती आउ 19 मार्च रु अटे आरंभ हबो ग्रासरूट प्रोग्राम कौन सी स्पोर्ट्स पई कौन सी खेल पई ग्रासरूट प्रोग्राम बहुत इंपोर्टेंट आउ इंडियन हॉकी पई ग्रासरूट प्रोग्राम आगरु आम या उपरे ध्यान दे नथिलु ग्रासरूट प्रोग्राम कहले सब जूनियर जूनियर स्तर को मजबूत करिबा तांकु किभली भाव भल ट्रेनिंग मिली पारिबो राइट एज रे जोड़ा परफेक्ट ट्रेनिंग केमिति मिली पारिबो ग्रासरूट प्रोग्राम एया सिलेक्शन प्रोसेस रे केमिति हमर भल खिलाड़ी आसी पारिबे हमर आमर सब जूनियर जूनियर लेवल के बेटर खिलाड़ी आम को ग्रुप आसी पारिबे तांकु के बोली भाव भल ट्रेनिंग मिली पारिबो भल कोच द्वारा स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम रे से माने के बोली भर आसी पारिबे ड्रैग फ्लिक और आमर गोल कीपर मॉडर्न हॉकी पई बहुत इंपोर्टेंट आपन समस्त जानु छंती ड्रैग फ्लिकर जो टीम रे वर्ल्ड क्लास ड्रैग फ्लिकर अच्छा जो कंट्री रे वर्ल्ड क्लास ड्रैग फ्लिकर अच्छा से ही कंट्री वर्ल्ड हॉकी डोमिनेट रूल करुँचंती मेजर टूर्नामेंट रे मेजर चैंपियनशिप जीतिकी चली जाउचंती लास्ट ओलंपिक कथा कहवा लास्ट वर्ल्ड कप कथा कहवा हैंडीज कथा कहवा या लास्ट ओलंपिक रे आमर रुपेन्द्र पाल या हरमनप्रीत जो चार चार गोल करते गोल मध्यम आम ओलंपिक ब्रोंज मेडल पाइल गोलकीपर भल परफॉर्मेंस करते किंतु आज दिन मु प्रेसिडेंट हिसाब से मुझीपनी कि आमर सब जूनियर एवं जूनियर स्तर लेवल आम खिलाड़ी केमती अच्छा क्यों लेवल खिलाड़ी अच्छा प्रॉपर कौन ट्रेनिंग मिल पारे कि ना जो भल खिलाड़ी अच्छा से मिल देखा कौन स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम सामिल कर 15 या 16 वर्ष बयस ड्रैग फ्लिकर ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन दे गोलकीपर स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम दि जा मो मतरे आम जापरुन वर्तमान सुधा ये सो हॉकी इंडिया ग्रासरूट प्रोग्राम जदि आम विश्वास करुचु ग्रासरूट प्रोग्राम आम खिलाड़ी मैंने जदि स्ट्रेंथन हेबे तो आम फ्यूचर सीनियर टीम स्ट्रेंथ हेबो तो यही हिसाब से आम ग्रासरूट प्रोग्राम आम ऑर्गेनाइज करचु आरंभ कराई सब प्रथम कथा आमर सब जूनियर एवं जूनियर लेवल रे आमर जूनियर खिलाड़ी मानों को पाई सब जूनियर खिलाड़ी को पाई कंपटीशन नहीं एक्सपोजर नहीं चैंपियनशिप नहीं मोटिवेट कि बोली भाव हेबे एक्सपोजर केमते मिलिबो ता पाई आमे मात्र इंडिया रे नेहरू गोटे टूर्नामेंट अच्छी बर्तमान खेलो इंडिया साई एवं मिस्ट्री आरंभ नेशनल चैंपियनशिप हॉकी एंड नेशनल चैंपियनशिप रे सब जूनियर टीम पार्टिसिपेट करती मात्र मात्र 8-10 खेलती टूर्नामेंट तो या दिन तो सिलेक्शन प्रोसेस या से एक्सपोजर या से एक्सपीरियंस हो पारे नहीं हॉकी इंडिया प्लान करूँ कंपिटिशन फर्स्ट जोनल सिस्टम आम आणुचु ईस्टर्न जोनल नॉर्थ साउथ चार्टा जोन अच्छी फर्स्ट इंट्रा खेलिबे सपोज ईस्ट जोन रे 8 स्टेट टीम अच्छी से माने इंट्रा जोन खेल से माने गोटे ईस्ट इंडिया टीम पार्टिसिपेट ईस्ट इंडिया टीम तैयारी हेबो ईस्टर्न इंडिया टीम तैयारी हेबो आउ अन्य कथा गोटे समस्त इंडियन टीम पई खेलिबेनी सो एटलिस्ट जने सब जूनियर खिलाड़ी से कहिबो कि मु ईस्टर्न इंडिया खेली या नॉर्दर्न इंडिया खेली जोनल टूर्नामेंट रे मु पार्टिसिपेट जोनल कैंप रे थी सो एटा गोटे रहिला 4 जोन याद रे पार्टिसिपेट 4 जोनल टीम पार्टिसिपेट करिवे ता सहित एकेडमिक्स आम पाखे इंडिया रे मो मतरे 40 एबव एकेडमिक्स अछंती तांकुरु 2 टीम आसीबो तापर साई साई रु 2 टीम आसीबो बॉयज एंड गर्ल्स सब जूनियर अब जूनियर
आम 16 वर्ष रु आरंभ करुचु इंटर जोनल अंडर 16 इंटर जोनल अंडर 19 सो यापे गोटे कमिटी तैयार होती कमिटी अंडर रे हमारे सिलेक्टर्स यापे ग्रास रूट प्रोग्राम पे सिलेक्टर्स अच्छा कोचेस अच्छा सिलेक्शन कर समस्त निगाही रे समस्त देखरेख रे सब प्लेयर जे भी सिलेक्टर सिलेक्टेड जे भी सिलेक्ट हे कोर ग्रुप अंडर 16 रे सपोज कोर ग्रुप है अंडर 16 रे कोर ग्रुप 50 प्लेयर हम चूज कलु सो 50 प्लेयर आम निगाह रे रहिले तांकू स्पेशल ट्रेनिंग भलो जे कोच अछि तांको अंडर नॉर्मली कौन हुए कि समस्त चिंताधारा रही था कि सब जूनियर जूनियर ताकु आम नेग्लेक्ट करि थौ आ कहि दबि कोच तमे लागि जाओ तो इम्प्रूवमेंट केमती हम तांको पाखरे ना फ्लिकर तांको पाखरे ना गोलकीपर कोच अच्छा ना आमे तांको भलो ट्रेनर भी फिटनेस कंडीशन ट्रेनर में दे पारूनू